हमीरपुर से शिमला राजमार्ग पर डुग्गा के पास बन रहे पुल का काम धीमी गति से होने के कारण लोग मुखर हो गए हैं और उपायुक्त से मिले आश्वासन के बावजूद भी 2 महीने बीत जाने के बावजूद काम ठंडे बस्ते में होने से लोगों में गहरा रोष पनप रहा है। पुल का काम कछुए चाल से होने के कारण लोगों ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेताया है कि अगर इस महापुल का काम पूरा नहीं होता है तो लोगों द्वारा शिमला चंडीगढ़ राजमार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। डुग्गा पंचायत प्रधान रविंद्र पटियाल ने कहा कि पुल के काम के धीमी गति से चलने की शिकायत कई बार उपायुक्त से की गई थी और अगस्त माह में भी जिला प्रशासन से बात की तो उन्होंने सितंबर माह का समय दिया था, लेकिन अब सितंबर माह भी बीत गया है फिर भी पुल का काम पूरा नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि पुल के काम में देरी होने की वजह से आवाजाही तो प्रभावित है, साथ ही स्कूल कॉलेज और अन्य लोगों को कई महीनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि अगर जल्द पुल का काम पूरा नहीं हुआ तो लोग सड़क पर उतरेंगे और चक्का जाम तक करेंगे। किसी साहब में मिले थे हम 2 महीने पहले, उन्होंने 1 महीने का आश्वासन दिया था हमें, लेकिन अब 2 महीने होने जा रहे हैं और अब भी 1 महीना और लगने वाला है और लोगों को इतनी परेशानी है। यहाँ के छोटे मोटे दुकानदार व्यापारी लोग, हॉस्पिटल है, साई हॉस्पिटल है, छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है, स्कूल के बच्चों को आने जाने के लिए दिक्कत है और अभी सफेदे भी नहीं कटे। सफेदों के बारे में बात हुई कि जल्दी कट जाएंगे, लेकिन अभी इसका आश्वासन दिया गया है कि अभी इनका टेंडर होगा, अब पता नहीं कब टेंडर होगा, कब क्या होगा। बिजली का खंभा अभी डंगे के बीच में है, अभी भर्ती होगी, कब पुल चालू होगा। हमारे को लगता है कम से कम 1 महीना और लगेगा और लोगों को इतनी परेशानी, व्यापारी लोग, कई लोग छोटे मोटे दुकानदार तो भूखे मरने के कगार पर बैठे हुए हैं। तो अगर स्थानीय लोग और जो व्यापारी लोग हैं, छोटे मोटे व्यापारी इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या करते, प्रशासन के आगे रोएंगे पिटेंगे और क्या कर सकते हैं। हमने डीसी साहब को ये भी आश्वासन दिया कि अगर ये काम जल्दी नहीं हुआ तो हम नेशनल हाईवे जो अपना बाईपास चौक पे है उस पर चक्का जाम करेंगे सभी गाँववासी इकट्ठे होकर। इसका हमने लेटर लिख के भी दिया, आश्वासन भी उन्होंने आश्वासन दिया कि चक्का जाम करने की नौबत नहीं आपको आएगी, लेकिन अगर नहीं हुआ जल्दी तो हम अभी आगे त्यौहार वाला है, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, दो पैसे दुकानदारों ने कमाने, छोटे मोटे व्यापारियों ने कमाने, उसके लिए भी सब कुछ बंद हो गया, सारा कारोबार ही बंद पड़े, ठप पड़े हुए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हफ्ते 10 दिन में हम बाईपास जो उन्ना हाईवे रोड है उसको जाम कर देंगे। ये तो देखो जी, एक तो पुल का निर्माण ही काफी देरी से हो रहा है, इसका हमें डीजी साहब ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर हम आपका पुल चालू करा देंगे, अभी तक इसका पुल का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है सही तरीके से और ठेकेदार जो है अपनी मनमानी के ऊपर लगा हुआ है। और ये जो पुल है इसका भी इन्होंने मतलब काफी कर्व डाल दिए हैं इसको पुल को जो कि ये सीधा डालना चाहिए था, और इस हिसाब से जो इन्होंने पुल डाला है इसमें एक्सीडेंट की स्थितियां काफी बढ़ गई हैं। और पहले पुल ही इस कारण बनाया था कि यहाँ एक्सीडेंट ज्यादा होते थे, तो इन्होंने पुल ऐसे ही बना दिया, अब इसमें ज्यादा एक्सीडेंट की स्थितियां बन पा रही हैं। और जैसे भी कोई भी गाड़ी जाती है तो खड़ से पहले रुकी ही नहीं है, कर्व ज्यादा डाल दिया इसमें पुल में, सीधा डालना चाहिए था पुल। हमारा यही है कि अगर इस महीने ये पुल नहीं चलता है तो हमें ऊना और ये शिमला हाईवे वाला रोड जो है सारा जाम करेंगे और इसके लिए सारे प्रशासन जिम्मेवार होगा। वहीं दुकानदारों ने बताया कि पुल के काम में देरी होने से दुकानदारी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है तो मंदी की मार भी झेलनी पड़ रही है। वहीं पुल के कार्य का निर्धारित समय में पूरा होने की उम्मीद कम है, जिस कारण दिनचर्या के काम पूरा करने के लिए भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हम टेलरों का काम करते हैं जी, और यहाँ पर हमारे बिल्कुल ठप पड़ा है हमारा काम, और 6 महीने हो गए यहाँ से, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, जाम करना है को आप तैयार हो चुके हैं, नहीं तैयार हुआ तो फिर हम ऐसा ही प्रशासन को जो पुल बना सारा, एक तो ड्राइंग के मुताबिक नहीं बना, इसमें जो कर्ब डालने थे तो एक लाइन में एक गाड़ी जाएगी खराब हो जाएंगे, दूसरा इस हिसाब से तो ये 2-3 महीने नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो सफेदे काटने हैं, बरहान होना है, और मैं इस वार्ड का वार्ड पंच भी हूँ, तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही, बच्चों को हो रही, आगे तो हरा हरा दिवाली का, अगर ऐसे दुकानदार तो बेले ही हो गए हैं। अगर ऐसा होगा तो हम सारी पंचायत या सारे इलाके के इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर करेंगे, हाँ रोड बंद करेंगे ऊना शिमला बाईपास के पास। आपको बता दें कि डुग्गा के पास
पुल का निर्माण कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 10 फरवरी को किया था और 31 अगस्त तक पूरा होने के लिए विभाग को भी कहा था, लेकिन विभाग के सुस्त रवैये के चलते धीमी गति से काम चला हुआ है। इस कारण यातायात तो बाधित है, बल्कि लोगों को दिनचर्या निपटाने के लिए भी 8 से 10 किलोमीटर बाईपास से घूमकर शहर पहुंचना पड़ रहा है। वहीं 6 से 7 ही मजदूर पुल पे काम को निपटा रहे हैं, जिससे संबंधित ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। पुल का काम धीमी गति से होने पर यातायात का पूरा भार बाईपास सड़क पर पड़ गया है, जिस कारण बाईपास मार्ग पर सड़कों की आवाजाही बहुत बढ़ गई है।